जिले में बीते रात्रि वज्रपात की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। जिले में बीती रात आई आंधी पानी के दौरान हुए वज्रपात में राधानगर थाना क्षेत्र के फुटकीपुर बाजार की 47 वर्षीय लक्ष्मी बेवा की मौत वज्रपात की चपेट में आकर हो गई। वहीं एक अन्य घटना में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर भट्टा गांव में तेज आंधी बारिश में अचानक गांव में बिजली का ठनका गिरने से झोपड़ी में आग लग गई। वहीं वहां बैठे एक व्यक्ति की मौत बिजली के ठनका गिरने से हो गई। बताया जा रहा है कि शोभनपुर भट्टा गांव में झोपड़ी के अंदर बैठे कुछ लोग अपने गायमाल की देखरेख कर रहे थे। उसी दरमियान बीती रात बिजली का ठनका गिर गया। ठनका गिरने के बाद अफरी तफरी मच गई, जहां दीप चंद्र यादव की मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इधर परिजनों का घर में रो रो कर बुरा हाल है। अनाज भी रखा हुआ है, मशीन ट्रैक्टर थी वो सब बचाने में हम लोग अब डूब गए। यहाँ पर बचा रहे थे और गिर करके उस ठनके के अंतर्गत में अपना जान मर गए। आ दीजिएगा तो मर ही गए। क्या नाम था उनका? नाम था दीपचंद यादव और उनका पिताजी का नाम था शीतल यादव। पता है कि तड़का गिरा हुआ है और तड़के का अनुसार जगह पर हमको लगता है कि वो उठ गए हैं ना, तो उनको पूरा नहीं मिला, बस दौड़ के भागते हुए ऐसे निकल गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।